प्रधानमंत्री जी, इसी से जुड़ा हुआ ये एक सवाल है कि आपने, मुझे लगता है कि 150 पौने 200 रैलियां रोड शो कर चुके हैं अभी तक पिछले 2 महीनों में, लेकिन उससे भी ज़्यादा लग रहा है कि बदजुबानी विपक्ष की बढ़ी हुई है, उससे ज़्यादा आपके खिलाफ गालियां पड़ रही हैं। इस बार पहली बार ऐसा देखा गया है माता पिता तक लोग सवाल मतलब बदजुबानी कर चुके हैं, गालियाँ दे रहे हैं। और पहली बार हम लोगों ने देखा है कि ऐसा चुनाव आया है 2002 का, जब से आप चुनावी राजनीति में आए हैं, कि पहली बार माँ के आशीर्वाद के बिना, क्योंकि हर बार आप वोट करने जाते थे और माँ का आशीर्वाद लेने जाते थे, हम लोगों ने गांधीनगर में हमेशा देखा, तो ये मिस कर रहे थे आप, और दूसरा ये बदजुबानी कैसे लेते हैं आप? मैं दो चीज़ों को अलग करके देखता हूँ। ये कहना कि मुझे अभी भी गालियाँ पड़ रही हैं, वो सही नहीं है। शायद मेरे जन्म से पहले से गालियाँ मेरे लिए तैयार रही हैं, और 2001 में जब मुझे मुख्यमंत्री का काम मिला, तब मुझे शायद कोई ऐसा विषय नहीं जिसमें मुझे गाली ना पड़ी हो, और बिना कारण मेरे बाल नोच लिए हो। उसमें सिर्फ पॉलिटिकल लोग नहीं, ये खान मार्केट गैंग पूरी, ये आपके मीडिया में जो महारथी कहे जाते हैं वो भी, आप पुराने अगर अंक निकालेंगे मैगजीन बड़े बड़े नोन, तो उसके फ्रंट पेज पे जो कवर स्टोरी है, तो किसी राक्षस को भी अच्छे से पेंट किया हो, उससे भी बद्दी तस्वीरें मेरी है। लेकिन मैं अपना आपा खोया नहीं, मैंने कभी नहीं खोया, क्योंकि उन्हीं की मजबूरी है कि उनको आज हंसता हुआ चेहरा रखना पड़ रहा है, और उनको एक साल में अगर 24 अंक निकलते हैं तो 12-15 में तो माल बेचने के लिए मोदी की जरूरत पड़ती है जी। तो मैं अपने कर्तव्य से लेके चलता हूँ। अच्छा होगा कि लोकतंत्र में, सार्वजनिक में शुचिता का पालन हो, मर्यादाओं का पालन हो, आलोचना हो, लेकिन अच्छी भी तो हो सकती है, अच्छे ढंग से भी हो सकती है। ऐसा नहीं हमसे भी कोई गलती नहीं हुई होगी, जी मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन हम सब ने सोचना चाहिए। मैं किसी को उपदेश दूँ इसका क्या मतलब है? मोदी ने खुद ने भी कभी गलती की होगी, मोदी के साथियों ने भी गलती की होगी, लेकिन भारत में ये स्थिति ठीक नहीं है जो हो रहा है, ठीक नहीं है। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी, युवाओं से जुड़ा। आपने हमेशा कहा है कि जो युवा है वो हमारे आने वाले 50 साल का भविष्य तय करेंगे। तो जो हमारे जो खेल प्रेमी युवा है सर, आपने कई जगह पे बताया कि 2036 की ओलंपिक्स की हम बिडिंग करेंगे, सर उसकी क्या तैयारी, हमारे खेल से जुड़े जो युवा है वो जानना चाहते हैं आपसे। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। जिसने G20 का पूरा बारीकी से एनालिसिस किया होगा, वो इस विश्वास कर सकता है कि हाँ, अब भारत की क्षमता है, भारत की क्षमता है इन चीज़ों को करने की। कॉमनवेल्थ गेम के कटु अनुभव इतने थे कि लोगों को विश्वास टूट गया था, यार कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन G20 के बाद देश का विश्वास, नहीं हम भी कर सकते। G20 का दूसरा फायदा यह हुआ कि देश के 60-70 अलग अलग स्थानों पर G20 उतने ही शान से हुई, तो देश के हर कोने में विश्वास पैदा हुआ है। दिल्ली में करते तो लगता है एक सरकारी कार्यक्रम हुआ है, लेकिन एक प्रकार से पीपल्स ड्रिवन G20 हुई। इससे कारण एक विश्वास बनता है कि ये देश कितने ही बड़ी चीजों को कर सकता है। और आज के युग में मेरा मानना है कि भारत है, जैसे मैं कहता हूँ मेड इन इंडिया, तो उसके पीछे मेरे मन में है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, धनी लोग खर्चा करते हैं यहाँ रहते हैं। उसी प्रकार से मैं कहता हूँ कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन इंडिया में होना चाहिए। उसी प्रकार से मैं कहता हूँ कि भाई हमारे यहाँ स्पोर्ट्स इवेंट्स होने चाहिए, और मैं आजकल छोटे मोटे, अब जैसे मैं 2029 यूथ ओलंपिक मैं चाहता हूँ कि देखो इसको, चेस का वर्ल्ड ओलंपिक मैं कहता हूँ, यहाँ आपने बीच ओलंपिक्स का भी जिक्र किया, बीच ओलंपिक मतलब यहाँ ले आओ, 2036 हम ट्राई करें। और अभी से मैंने एक टीम बनाई है, उसको मैंने कहा है कि भाई जितने भी ओलंपिक होंगे उसमें ऑब्जर्वर के नाते 2 महीने वहाँ जाओ, स्टडी करो हर बारीकी के, और उससे भी आगे मैं बताता हूँ। मैं अटलांटा में ओलंपिक देखने गया था, USA में, मैं खुद खिलाड़ी नहीं हूँ, लेकिन व्यवस्थाओं को सीखना समझना मेरी रुचि है।
तो मैं जाकर के देखा कि भाई इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। तो मेरे प्रिय कुछ गेम में देखने जाता रह जाए भारत के लोग खेल रहे तो, लेकिन पूरा समय मैं देखता था। तो मैंने देखा बड़ा इंटरेस्टिंग था उन्होंने क्या किया था। और मैं कभी कभी बता मैनेजमेंट मेरी रुचि है, चीज़ें सीखने का मेरा शौक है। 200-250 किलोमीटर दूर से कोई आ रहा है, कितने दिन होते 200-250 किलोमीटर उसको पार करनी होगी अपनी गाड़ी ओलंपिक स्टेडियम से 200-250 किलोमीटर मतलब एक कार का, वहाँ बस होगी तो कार खाली करो बस में बैठ जाओ। उसको जो गेम में जाना है उसका कलर, उस गाड़ी का कलर सब सेम रहता था। तो उसको पता है कि मुझे अगर हॉकी में जाना है तो मुझे इस कलर वाली बस में बैठना है, तो अपनी गाड़ी छोड़ के उस बस में बैठता है। फिर वो बस एक मेट्रो स्टेशन पर जाती थी तो बस के लोग सब मेट्रो में उस कलर वाले डिब्बे में बैठ जाते थे, अथवा वो कलर वाली जब मेट्रो आती तो बैठते थे। वो सीधी उस स्टेडियम के पास जाती थी, मतलब कार 60 कार में से एक बस हो गई, एक बस में से 60-100 बस में से एक मेट्रो हो गई। इन्होंने 1-2 करोड़ लोगों को ट्रांसपोर्टेशन इतनी बढ़िया, ऐसी चीज़ें मैं उस समय स्टडी करता था। तो मैंने मेरी टीम को कहा भाई हर चीज़ स्टडी करो और स्टडी करके लाओ। तो एक प्रकार से तैयारी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उनकी आवश्यकताएं क्या होती उसको समझना, एट द सेम टाइम हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को तैयार करना, क्योंकि खेल मेरे यहाँ है गोल्ड मेडल कोई और ले जाए ऐसा तो नहीं होता। सर हम में से किसी ने शायद सोचा भी नहीं था कि इतने मेडल आएंगे ओलंपिक्स में पैरालंपिक्स में जिस तरह से आए पिछले। देखिए भारत के युद्ध में तो दम था ही था, भारत के युद्ध में तो दम था ही था, लेकिन पहले सिलेक्शन में भी संप्रदायवाद, परिवारवाद, जातिवाद हर चीज में था। वो सिलेक्शन उसके आधार पर होता था, मेरे परिवार का बच्चा है खेले ना खेले यार जाए तो सही, यही होता था। अब खिलाड़ी है तो जिस खेल में उसकी योग्यता है सिस्टम उसको सिलेक्ट करती है, वो मेडल लेके आ जाता है। जब ट्रांसपेरेंसी आती है तो परिणाम भी आता है। सर आखिरी सवाल पंजाब पे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने 3 रैली भी पंजाब में पिछले 2 दिन में किए, मैं भी पंजाब में था। पंजाब एक स्टेट है जो काफ़ी चैलेंजिंग माना जा रहा है बीजेपी के लिए, वहाँ किसान प्रोटेस्ट भी कई जगह पे हो रहे हैं। आपको क्या लगता है पंजाब की सिचुएशन के, आप फार्मर्स को मना पाएंगे वहाँ पे, जो फार्मर्स कुछ लगता है शायद नाराज हैं? पहली बात है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वर्णिम काल है, ये स्वर्णिम काल है। वहाँ जो सरकार है वो पूरी तरह विफल गई है और पंजाब के लोग बड़े स्वाभिमानी हैं। उनको दिल्ली से रिमोट से कोई सरकार चलाए इसको पंजाब का अपमान मानते हैं और ये इनके जहन में है। और सबसे ज़्यादा तब हुआ कि एक मुख्यमंत्री सरकार चलाने के लिए गाइडेंस लेने के लिए दूसरे मुख्यमंत्री को जेल में मिलने जाए, तो ये पंजाब को बहुत हर्ट कर रहा है कि भाई ऐसा कैसी सरकार जो दिल्ली के लोग चलाएंगे तो फिर पंजाब की क्या है? इसका गुस्सा है, ये चुनाव में बाहर आने वाला है। और उनको लगता है कि भाई बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने सिख समाज के लिए भी इतना काम किया है, करतारपुर कॉरिडोर की बात हो या मैंने एक प्रकार से किसानों की भलाई के काम की बात हो, किसानों की इरिगेशन की चिंता हो, MSP बढ़ाने की बात हो, सिंचाई की व्यवस्थाओं की बात करनी हो, यूरिया दुनिया भर में 3,000 रुपये हो गया हम 300 में दे रहे हैं, तो एक प्रकार से अनगिनत मैंने काम की है उसका उनके लाभ भी हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि बेनिफिट है। और खास इवन जो मैंने जो मिलेट का किया है ना जी, वो वहाँ के किसानों को छूता है, उनको लगता है यार हमारा मिलेट अब दुनिया में बिकेगा, उसको गर्व हो रहा है जी, उसको आनंद हो रहा है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसका परिणाम मिलने वाला। और खासकर पंजाब को लेकर जो करतारपुर का जिक्र आपने रैली में किया वो भी एक चर्चा का विषय है कि क्या हमने 71 में वो मौका गवाया, करतारपुर भारत में हो सकता था, वो मौका क्या हमने गवाया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, नमस्कार, आपने समय निकाला और सभी सवालों का जवाब दिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।